छूटे न पिया का। और इस वक्त तुम्हारी जरूरत ऐसे केसेस को हैंडल करने की है जो सीरियस है। श्लोक के साथ शादी के ना बहुत सारे प्लान्स बना लिए। अरे भाई, मैंने तुम्हें क्रिस्टीना से शादी की बधाई देने के लिए बुलाया। मैं रिंकी को डिवोर्स देना चाहता हूँ। व्हाट? तो स्वाति को पॉइजन दिया गया था। भगवान का शुक्र है वो बच गई, नहीं तो। डॉक्टर, स्वाति को पॉइजन दिया गया था क्या ये बात आपने डॉक्टर क्रिस्टीना को बताई थी? क्या उन्हें मालूम था इस बारे में? ऑफ कोर्स यस, आफ्टर ऑल डॉक्टर क्रिस्टीना उसका इलाज कर रही थी, इसलिए उन्हें ये बात बताना बेहद जरूरी था। व्हाट? आई डोंट बिलीव दिस। डॉक्टर क्रिस्टीना को ये बात मालूम थी तो फिर वो ये मेडिकेशन कैसे दे सकती हैं? मुझे भी शॉक लगा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि वो इस बात को ज्यादा अच्छी तरह समझती है, इसलिए मैंने कुछ ऑब्जेक्ट नहीं किया। लेकिन डॉक्टर कोठियाल, ये गलत है। आई मीन इट्स रॉन्ग। दिस इज जस्ट लाइक स्लो पॉइजन। किसी पेशेंट की जान बचाने की जगह ये जान ले भी सकता है। डॉक्टर क्रिस्टीना इतनी काबिल डॉक्टर होने के बावजूद ऐसी गलती कैसे कर सकती है? वेल, आई हैव नो आइडिया। ये तो डॉक्टर क्रिस्टीना ही जानती होंगी वो ऐसा मेडिकेशन क्यों दे रही थी। पर डॉक्टर, आपको उन्हें रोकना चाहिए था। मैंने उनसे इस बात पर डिस्कशन किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि स्वाति का केस अलग है, इसलिए वो इस तरह से ट्रीटमेंट कर रही है। इससे ज्यादा मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। एक डॉक्टर होके डॉक्टर क्रिस्टीना इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है, वो भी एक क्रिटिकल केस में। वेल, आई थिंक शी नोज बेटर। इसका मतलब जब से स्वाति एडमिट हुई है तब से उसको यही मेडिकेशन दिया जा रहा है? Yes. My God, Swati is in danger. वो दिखने के लिए हेल्दी दिख रही है, मगर इंटरनली उसकी बॉडी बहुत कमजोर हो चुकी है। वो कभी भी कोलैप्स कर सकती है। स्वाति, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, पर्सनल, वो भी अकेले में। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है मनीषा, अगर तुम बुरा ना मानो तो हम दोनों कुछ पर्सनल बातें करना चाहते हैं, इसलिए प्लीज। अरे, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? ठीक है, तुम लोग दोनों बातें करो, मैं बाहर घूमी करके आती हूँ। हाँ, चलो। हाँ डॉक्टर, बताइए क्या बात है? स्वाति, समीर कहाँ है? मुझे समीर से मिलना है, कुछ जरूरी बात करनी है उनसे। I'm sorry डॉक्टर, लेकिन आप समीर से नहीं मिल सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रहे। What? I'm sorry, लेकिन हाँ ये सच है, लेकिन लेकिन मनीषा ये बात नहीं जानती। उसे लगता है कि समीर अभी भी जिंदा है। मैं वो सब बाद में बताऊंगी, बस आप इतना जान लो कि ये बात कभी उसे पता नहीं चलनी चाहिए। उसकी नजर में अभी भी समीर जिंदा है। ओके, आप कुछ कहने वाली थी? स्वाति, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं तुमसे ये बात कैसे कहूं, लेकिन क्या बात है डॉक्टर, आप चुप क्यों हैं? स्वाति, हाँ, और तुम्हारा बच जाना एक मिरेकल है, लेकिन तुम बच तो गई हो, मगर क्या डॉक्टर? I'm sorry, तुम कभी माँ नहीं बन पाओ, कभी माँ नहीं बन पाओ, तुम कभी माँ नहीं बन पाओ, 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 कभी माँ नहीं बन पाओ। क्रिस्टीना ने तुम्हारा जो मेडिकेशन किया था वो गलत है, और तुम्हारी इंटरनली बॉडी बहुत डैमेज हो चुकी है। किस्मत में
यही लिखा था। लेकिन डॉक्टर मैं आपसे विनती करती हूँ कि ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, आई प्रॉमिस। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी, बल्कि मैं बहुत खुश हूं। क्या खुशी है इस बात की कि आप कभी मां नहीं बन पाओगी? हाँ डॉक्टर, श्लोक से क्रिस्टिना प्यार करती है और मैं खामखा उन दोनों के बीच में आ गई थी। अगर मैं मां बन गई तो श्लोक क्रिस्टिना से कभी शादी नहीं करेगा और ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मैं प्यार और प्यार करने वालों की बहुत इज्जत करती हूं। What? श्लोक और क्रिस्टिना एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं? But how is it possible? ये सच है डॉक्टर, क्रिस्टिना और श्लोक एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मगर क्रिस्टिना की शादी तो कार्टन डिमेलो से होने वाली है ना, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ ये सच है कि कार्टन क्रिस्टिना से शादी करना चाहता था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि क्रिस्टिना श्लोक एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन अब उसे सब पता चल गया है और वो भी यही चाहता है कि श्लोक और क्रिस्टिना की शादी हो जाए। हेलो डॉक्टर कदम। हेलो मिस्टर वीरन, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। हाय बेबी, हाउ आर यू? मैंने सोचा जरा इसकी तबीयत जान लूं। हाउ इज शी नाउ? वेल, सब कुछ ठीक है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब कैसा फील कर रही हो अक्षरा? वैसे तो ठीक हूँ, पर ये लोअर एब्डोमिन में बहुत पेन है। आई कैन अंडरस्टैंड, ये पेन अभी 2-3 दिन और हो सकता है, तुम टाइम से मेडिसिन लेती रहना। यू जस्ट डू वन थिंग, आप एक लिस्ट बना दीजिए कि कौन सी दवाई कैसे लेनी है। आई विल टेक केयर ऑफ हर। ओके, मैं लिस्ट बना दूंगी। और हाँ अक्षरा, तुम्हें इस वक्त कंप्लीट बेड रेस्ट लेना होगा। लेकिन डॉक्टर, मुझे हर वक्त बेड पर लेटे रहना अच्छा नहीं लगता है। हमेशा थोड़े लेटना है, बस कुछ ही दिनों की बात है। और तुम्हारा आज ऑपरेशन। ओह डॉक्टर, फिर उसके बाद वेकेशन। और जल्दी ठीक होने के लिए तुम्हें टाइम से दवाई लेनी होगी, फ्रूट्स और सूप लेने होंगे बस, और एकदम टेंशन फ्री रहना। इतनी बातों का ख्याल रखोगी तो फौरन ठीक हो जाओगी। और फिर मैं हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कहना, फौरन हाजिर कर दूंगा। थैंक यू सो वेरी मच चाचू, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं और प्यार भी करते हैं। ओके डॉक्टर, सो प्लीज लेट मी नो। डोंट वरी, मैं फोन कर दूंगी। टेक केयर। ये सब कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं, स्वाति, श्लोक, मंतशा, क्रिस्टिना। ये डॉक्टर कदम, बोलिए। हाँ, अक्षरा का अबॉर्शन सक्सेसफुल हो गया है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। अक्षरा कैसी? वो बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी, शी इज अंडर ऑब्जर्वेशन। थैंक यू डॉक्टर, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। भाभी को इन्फॉर्म कर देता हूँ। हाँ भाभी। हाँ वीरू। अक्षरा का अबॉर्शन हो गया, वो बिल्कुल ठीक है। ये खबर सुनाकर तो तूने मेरा दिल खुश कर दिया, पता है कितनी टेंशन में थी मैं। भाभी, अब मेरे होते हुए आपको किसी किस्म की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी अक्षरा मेरी भी तो बेटी है। इस खानदान को किसी भी मुसीबत से बचाना मेरा फर्ज है। वीरू, मुझे पता था तुम
तुम्हारे अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता था। अच्छा ये बताओ अक्षरा घर कब आ रही है? मैं डॉक्टर से बात करके आपको बताता हूँ। जी गुड नाइट। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। वो कार्टून बस, अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं जा रहा हूं। हेलो डॉक्टर क्रिस्टीना, तुम अभी यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो? मैं तुमसे कुछ बात करने आई हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। लुक, मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गॉट इट? इंटरेस्ट? इंटरेस्ट तो तुम्हारे फरिश्ते भी लेंगे क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। अच्छा, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, सुझाव। तुमने जिसकी जिंदगी में जहर बोया था वो तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए क्या क्या कर रही है? लुक नैना, ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम इसमें इंटरफेयर ना करो तो ही अच्छा है, समझी? अच्छा तो ये होगा कि तुम अपना गुनाह एक्सेप्ट कर लो। गुनाह? किस गुनाह की बात कर रहे हो तुम? वही जो तुमने स्वाति के साथ किया, उसे रॉन्ग मेडिकेशन देकर, क्योंकि अगर मैं पुलिस के पास चली गई तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और तुम्हारा करियर चौपट हो जाएगा। और रही श्लोक से शादी करने की बात, तो वो तो अब पॉसिबल ही नहीं। श्लोक तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, भूल जाओ। आई होप तुम्हें ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और श्लोक से शादी करने का सपना एक सपना बनकर ही रह जाएगा। Got it? के ऊपर एक कलंक था। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता।
मुझसे वादा किया था कि आप मेरा साथ देंगे। किया था वादा तुम्हारा साथ देने का, तुम्हारे उस पाप को मिटाकर मैं तुम्हारा साथ ही दे रहा हूं। मंतशा तुमने खाना खाया? वेरी गुड, अब तुम बहुत समझदार हो गई हो। अब जाओ थोड़ा आराम कर लो, शाम को पार्क में जाएंगे, ठीक है? श्लो, मैं तुमको एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम सच सच बताओगे? हाँ बाबा। सुनो, सच सच बता रहा हूँ, तुम क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैं पागल हूँ? क्या? ये क्या कह रही हो तुम? किसने कहा तुमसे? जब मैं हॉस्पिटल में थी ना, तब सब लोग बोलते थे कि मैं पागल हूँ। मंतशा बेकार की बातें करते हैं वो तुम्हें तंग करने के लिए। मैंने कहा तुमसे थोड़ी बीमार हो, ठीक है? लेकिन अगर मैं पागल नहीं हूँ तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं रहता? मंतशा तुम परेशान मत हो, ठीक है? तुम ठीक से खाना खाया करो, ठीक से आराम किया करो, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। नहीं समीर, तुम समझ नहीं रहे हो। अरे मैं इतनी देर से तुमको बोलने की को मैं श्लोक हूं। देखा तुमने इतनी देर से मैं क्या कह रही थी? मैं यही तो कह रही थी तुम्हें। देखो, तुमने अभी कहा कि तुम्हारा नाम श्लोक है ना, और मुझे मुझे तुम्हें समीर दिखाई देता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे समीर मेरे सामने, श्लोक नहीं। कुछ तो गड़बड़ है समीर। मैं ठीक नहीं हूँ। मंतशा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी की कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारी आंखों के सामने है वो सच है, ठीक है? आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया, नहीं किया चाचा जी। तुम्हें अंदाजा है तुम किससे बात कर रही हो? मुझे तो ये सोच कर भी शर्म आती है कि मेरे रोगों में भी वही खून है जो आपके रोगों में है। बकवास बंद करो, आज तुम्हें शर्म आ रही है, लेकिन इस वक्त तुम्हारी ये शर्म कहां चली गई थी जब तुम हमारे खानदान की इज्जत की धज्जियां उड़ा रही थी? विश्वास, तुम जानती हो विश्वास क्या होता? आज तुम्हारा विश्वास टूटा तो तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है। और तुम्हें समझ में आया जब तुमने अपने मां बाप का विश्वास तोड़ा था तब उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी? मानती हूँ चाचा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। एक बुरे इंसान पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन मैं उससे प्यार करती थी चाचा जी, और वो, अरे वो बच्चा तो मेरे शरीर का एक अंश था जिसे आपने मुझसे छीन लिया। यार माय फुट, कुछ चंद दिनों का नाटक जिसे तुम प्यार कहती हो उस पर तुम्हें अपने माँ बाप से ज्यादा यकीन हो चला था? आज तुम्हारा अपना बच्चा तुमसे छिन गया तो तुम्हें तकलीफ हो रही। अब तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि तुम्हारी इन हरकतों से तुम्हारे माँ बाप को कितनी तकलीफ हुई होगी। मानती हूँ चाचा जी, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, और शायद उस गलती की कोई माफी नहीं। अरे लेकिन मेरी गलती की सजा उस मासूम को क्यों दे दिया जो
अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं था। सही कह रही हो तुम, तुम्हारी इतनी बड़ी गलती की इतनी छोटी सी सजा नहीं होनी चाहिए। ये तो भैया हैं जिन्होंने तुम्हारी इतनी बड़ी गलती को माफ कर दिया, कि जब मैं होता ना बच्चे के साथ साथ तुम्हें भी खत्म कर दिया। लाइफ बॉय सोप प्रस्तुत करते हैं